कम गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी बर्ड मुश्ताक कंप्यूटर चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज लेके आया हूँ जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, और ये डीसी के आईटीएम ट्रेड के सेकंड यूनिट में छोटा सा टॉपिक भी है, तो थोड़ा जान लेना चाहिए, पता होना चाहिए क्या होता है। और वो टॉपिक का नाम है साउंड एडिटिंग एंड मिक्सिंग सॉफ्टवेयर। जी हाँ, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि साउंड एडिटिंग करने के लिए और मिक्सिंग करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको दो सॉफ्टवेयर बताऊंगा, इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि साउंड एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हेडिंग है साउंड एडिटिंग तथा मिक्सिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर मैंने कुछ दो सॉफ्टवेयर AVS और साउंड फॉर्क के नाम से दो सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है। थोड़ी सी थ्योरी मैंने बताई है और देख सकते हैं इंटरफेस है, किस तरीके का इंटरफेस होता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं दुनिया भर के, आपको जो सॉफ्टवेयर चलाना आता है उसके बारे में एग्जाम में लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। तो ABS के बारे में पढ़ते हैं। ABS ऑडियो एडिटर एक शक्तिशाली पूर्ण विशेषताओं वाला तथा सरलता से उपयोग होने वाला डिजिटल ऑडियो एडिटर है, जिसके बारे में लिखेंगे हम फिर तारीफ करेंगे। बड़े हो कठिन हो बेकार हो, और हम बनाएंगे बताएंगे वो अच्छा है, बढ़िया है, बहुत काबिल तारीफ है। ABS ऑडियो एडिटर व्यवसायियों तथा अव्यवसायियों दोनों के लिए लाभदायक, इसको बहुत आसानी से उपयोग कर सकते हैं तथा यह आपको बिना किसी परेशानी के विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन के कार्य करने की सुविधा देता है। जब आप इस पर कार्य करना शुरू कर देंगे तो आप इस प्रोग्राम द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप इस डेटा में कोई भी कार्य कर सकते हैं, मतलब इस सॉफ्टवेयर में कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, अर्थात आप उन सभी प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग आप MS Word में टेक्स्ट पर करते हैं। वो सारे काम हम यहाँ पर ऑडियो पर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप अंडू भी कर सकते हैं। अंडू बटन को दबाकर आप दोबारा से अपना कार्य फिर से कर सकते हैं, ऑडियो कर सकते हैं। फ्रेंडली इंटरफेस आपको बहुत सारे प्रचलनों को आसानी से पूर्ण करने की सुविधा प्रदान करता है, और आप इसे अपना स्वयं का म्यूजिक, आवाज तथा अन्य ऑडियो तत्वों को रिकॉर्ड करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इस सॉफ्टवेयर से आप अपनी खुद की आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और कुछ अन्य आवाज बैकग्राउंड में म्यूजिक चला सकते हैं, अपनी आवाज के साथ साथ वो काम भी कर सकते हैं। आप इसे एडिट तथा अन्य ऑडियो तथा संगीतमय भागों के साथ मिला सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के इंटरफेस जोड़ सकते हैं, मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के इफेक्ट जोड़ सकते हैं तथा इसे मास्टर कर सकते हैं, मतलब इसे मैन फाइल बना सकते हैं, जिससे इसे CD पर बर्न कर सकते हैं। आप इसे वर्ल्ड वाइड वेब पर पोस्ट कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं, यानी इसमें जो फाइल बनाई जाएगी उसको हम CD पर बर्न करना, मेल करना, ये काम भी कर सकते हैं। ABS ऑडियो एडिटर सभी मुख्य ऑडियो फाइल फॉर्मेट का समर्थन करता है, मतलब इसके अंदर हम सभी प्रकार की ऑडियो फाइल को खोल सकते हैं। ABS ऑडियो एडिटर के पास विभिन्न प्रकार के ऑडियो इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि डिले, इको, एम्पलीफायर, रिवर्स करना, ऐसे कुछ इफेक्ट इसमें होते हैं जिससे अपन अपनी वॉइस को रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, इको डाल सकते हैं, अपनी पिच को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें इक्वलाइजर होता है तो उससे अपन बेस, ट्रेबल वगैरह को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ABS ऑडियो एडिटर को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको उसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ABS सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करेंगे, उस सॉफ्टवेयर के लिए इंस्टॉल करने की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ABS सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इस पर काम करना कोई कठिन काम, मतलब मुश्किल काम नहीं है, पर आप मुझसे कमेंट करेंगे तो मैं आपको इस पर काम करने के लिए सीखने के लिए भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, और आप कमेंट करेंगे तो, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा, आप बस पढ़ लीजिए और सीख लीजिए। सबसे पहले इसे ओपन कैसे करते हैं, सबसे पहले ऑल प्रोग्राम में जाएंगे और उसको अपन ABS में जाकर ढूंढ के ओपन कर सकते हैं। नहीं कर पाते तो मैंने सिखाया था कि आप विंडोज में काम कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च कर लेंगे तो लिस्ट में आ जाता है नाम, और क्लिक करते ही वो ABS ऑडियो एडिटर खुल जाएगा। जैसे ही वो खुलेगा तो आपके सामने ये विंडो खुलेगी इस टाइप की। अगर कोई एल्बम सामने आती है तो उसमें कंटिन्यू या ओके पर क्लिक कर सकते हैं और ये फिर ये विंडो खुल जाएगी। ऐसा इंटरफेस होता है ABS का, ABS ऑडियो एडिटर लिखा है ऊपर। तो यहाँ ये खुलने के बाद
हम इसमें यहाँ से ये लिखा है इम्पोर्ट वीडियो, यहाँ पर अपन वीडियो इम्पोर्ट कर सकते हैं, न्यू से न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ओपन से पुराना प्रोजेक्ट जो इसमें फाइल बनाते हैं उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं, उस प्रोजेक्ट को अपन बाद में अलग अलग फॉर्मेट में एक्सटेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये, ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए ये, आपको इम्पोर्ट वीडियो इम्पोर्ट करने के लिए, कट कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, ट्रिम करना है कोई वीडियो आपको सेलेक्ट करके काटनी है ऑडियो तो सेलेक्ट करके उसे अपन कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये आपको व्यू देखने के कुछ इफेक्ट हैं, या आपके रिसेंट इफेक्ट दिए हैं, एम्पलीफायर, फेड, नॉइस रिमूव, अगर किसी ऑडियो में नॉइस आ रही है तो वहाँ से हम इसे नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें इफेक्ट दिए हुए हैं। तो ABS ऑडियो एडिटर बड़ा गजब का एक सॉफ्टवेयर है जिससे अपन किसी भी ऑडियो में एडिटिंग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फाइल बनाने के बाद इसे हम सेव भी कर सकते हैं। अगला जो एडिटर है वह है साउंड फॉर्क। साउंड फॉर्क जो एडिटर होता है वह भी एडिटिंग के लिए है, साउंड की एडिटिंग करने के लिए होता है। तो यहाँ पर देखेंगे साउंड फॉर्क सॉफ्टवेयर एक शक्तिशाली पूर्ण विशेषताओं वाला तथा आसानी से उपयोग होने वाला डिजिटल साउंड एडिटर है। यह भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे विकल्प ऑप्शन होते हैं और बहुत अच्छा शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जो असंख्य ऑडियो प्रोफेशनल द्वारा उपयोग किया जाता है। साउंड फोर्स को कई ऐसे जिनका जो काम है ऑफिशियल वर्क है वो भी इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। साउंड फोर्स सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाता, वीडियो एडिटर नहीं है, फिर भी आप इसमें वीडियो फाइल को अन्य फाइल की तरह खोल सकते हैं तथा एडिट भी कर सकते हैं। ये वीडियो एडिटर नहीं है लेकिन इसको अपन वीडियो फाइल इसमें खोल सकते हैं और उसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं, कट कॉपी वगैरह तो कर सकते हैं, तथा ऑडियो ट्रैक को परिचित साउंड फोर्स उपकरणों के साथ एडिट कर सकते हैं। यानी कि कोई डिवाइस इसमें कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, डिवाइस कनेक्ट करने के बाद जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे उससे तो कंप्यूटर में डायरेक्टली रिकॉर्डिंग हो सकती है। ये सॉफ्टवेयर कई डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, मतलब कहने का ये आप मुख्य साउंड फोर्स विंडो से अथवा प्रत्येक विंडो में प्ले बार का उपयोग कर सकते हैं। इसमें प्ले बार होता है, इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग करके ऑडियो फाइल को जो प्रीव्यू है उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारी जो आवाज़ है कहाँ बोली गई है कहाँ पर नहीं बोली गई है, वो प्रीव्यू अपन देख सकते हैं। जनरल सी कुछ लाने टेढ़ी मेढ़ी लाने आती हैं वो देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त वीडियो प्रीव्यू विंडो आपको वीडियो फाइल का प्रीव्यू दिखाने का काम करता है तथा उन्हें बाहरी मॉनिटर पर भी भेजने की सुविधा होती है। हम चाहें तो इनको अपन किसी अन्य मॉनिटर को कनेक्ट करके भी उस पर देख सकते हैं। ये जो सामने इंटरफेस दिख रहा है ये आपका साउंड फोर्स का इंटरफेस है और दिखने में देखिए बहुत सिंपल लग रहा है। इसमें मेनू वगैरह भी कम है और ये दिख रही लाइनें, ये लाइनें हमने जहाँ बोला है वहाँ पर लाइनें ज़्यादा दिख रही हैं और जहाँ नहीं बोला है वहाँ पर लाइनें नहीं है। दिख रही है लाइनें बीच में नहीं है, वहाँ पर हमने कुछ भी श्योर नहीं किया है तो कोई साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जहाँ रिकॉर्डिंग होती है वहाँ पर ये लाइनें टेढ़ी मेढ़ी सी ये आ जाती हैं और जहाँ रिकॉर्डिंग नहीं होती वहाँ पर ये सीधा धागा सा दिखाई देता है। तो ये वही है जहाँ हम साउंड को देख सकते हैं। साउंड फोर्स जो है सॉफ्टवेयर साउंड फोर्स चैनल मीटर प्लेबैक के दौरान पीक लेवल को प्रदर्शित करता है। यानी कि इसमें हमारा जो जो पीक लेवल है ये आवाज़ दिख रही है उसको दिखाता है। इसके स्तरों को हम स्तरों को मॉनिटर करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी फाइल में कोई क्लिपिंग ना आए इसके लिए मीटर का उपयोग कर सकते हैं। हमारी आवाज़ में कहीं पर गैप ना आए, कहीं क्लिपिंग ना आए, कहीं पर कोई वॉइस एक्स्ट्रा आ गई उसे काट सकें तो उसके लिए अपन ये लेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑडियो डिवाइस है जो मल्टीपल इनपुट का समर्थन करता है, इसमें अपन एक साथ कई इनपुट कर सकते हैं, तो आप मल्टी चैनल रिकॉर्डिंग पर भी काम कर सकते हैं। यानी कि अपन इसके अंदर एक साथ कई रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि सिंगिंग होती है तो लड़की भी गाती है लड़का भी गाता है, दोनों के लिए अलग अलग माइक लगाए जाते हैं तो दोनों की रिकॉर्डिंग संग होती है। तो हम यहाँ पर मल्टी चैनल रिकॉर्डिंग का भी उपयोग कर सकते हैं, उस पर भी काम करने के लिए साउंड फोर्स का उपयोग कर सकते हैं। साउंड फोर्स सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग के समय MPC SMPTE सिंक्रोनाइज भी उत्पन्न कर सकता है। डेटा का चयन तथा कर्सर का स्थापना अधिकतर एडिटिंग प्रक्रियाओं के मुख्य कार्य हैं। इसमें डाटा चुनना और कर्सर को स्थापित करना, कर्सर कहाँ पर क्लिक करना है कहाँ क्लिक नहीं करना है,
ऐसे काम जो होते हैं वो फोर्स के मुख्य कार्य हैं। जब आप डाटा का चयन कर लेते हैं तो आप उसे कट, कॉपी, पेस्ट, मिक्स, क्रॉप, एडिट, इफेक्ट डालना आदि काम का उपयोग कर सकते हैं। डाटा को एक विंडो से दूसरी विंडो में ले जाने के लिए क्लिप बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एमएस वर्ड में क्लिप बोर्ड होता है कॉपी पेस्ट करने के लिए, वैसे भी इसमें भी क्लिप बोर्ड होता है जहां डाटा को कट कॉपी पेस्ट करके ले जा सकते हैं। साउंड फोर्स में होने वाले ग्लिचेस, क्लिक तथा सरफेस नॉइज को सुधारने हेतु आप साउंड फोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। किसी साउंड फाइल के अंदर यदि कोई नॉइस है, ग्लिचेस, क्लिचेस का मतलब यही है कि उसमें कोई शोर है, नॉइस है, तो उसको सुधारने के लिए भी हम साउंड फोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी वॉइस में से बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, हालांकि आवाज पंखी की आवाज आ रही है, तो उसको अपन यहाँ से इस सॉफ्टवेयर से हटा सकते हैं। साउंड फोर्स सॉफ्टवेयर जावास्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट और सी शार्प यानी कि सी हैश का उपयोग करके लिखी गई है। जो साउंड फोर्स सॉफ्टवेयर है उसको जावास्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक और सी शार्प यानी कि सी हैश का उपयोग करके बनाया गया है। एंड अगला सॉफ्टवेयर जो है वह है 3D साउंड। इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ये बहुत प्रचलित है। आजकल आप यूट्यूब पर 3D साउंड डालेंगे या 3D सॉन्ग डालेंगे, 3D साउंड सॉन्ग, तो आपको बहुत सारे सॉन्ग सुनाई देंगे। आप अपने कान में स्टूडियो हेडफोन लगाना, स्टूडियो ईयरफोन लगा लेना, सब पे आजकल स्टूडियो ईयरफोन ही होती है ज़्यादातर, तो वो कान की लीड जब कान में लगाएंगे और वो म्यूजिक प्ले करेंगे तो आपको 3D साउंड सुनाई देगा। ऐसा लगेगा कि साउंड आपके आसपास बज रहा है, कभी लेफ्ट साइड में तो कभी राइट साइड में, तो कभी ऊपर तो कभी पीछे, कभी हमारे सामने बज रहा है, ऐसा लगेगा। तो इस तरह की साउंड जो आती है वो 3D साउंड उसे कहा जाता है। तो उसको भी अपन बना सकते हैं। उसे बनाने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है 3D साउंड। 3D साउंड क्या होता है? 3D साउंड ऑडियो वेव्स को कैप्चर, प्रोसेस और प्ले करने हेतु बाइनोरल साउंड सिस्टम का उपयोग होता है। यानी कि किसी साउंड को कैप्चर करना, उसे प्ले करना, उसको प्रोसेस करने के तरीके को हम 3D सिस्टम कहते हैं, और इसको अपन 3D सॉफ्टवेयर के द्वारा बना सकते हैं। 3D साउंड का उद्देश्य सुनने वाले को ऐसा ऑडियो अनुभव देना होता है कि उसे लगे कि वह वास्तविक जीवन में है और वास्तविक साउंड सुन रहा है। 3D रिकॉर्डिंग मानव जैसे मस्तिष्क तथा कानों के स्थान पर दो माइक्रोफोन, जो 3D साउंड सुनने के लिए आपको मानव मस्तिष्क जो होते हैं और जो कान जो होते हैं उसके स्थान पर दो माइक्रोफोन साउंड माउंट करके दी जाती हैं। इसमें दो साउंड अलग अलग कान से आती हैं, माउंट करके दिया जाता है। माइक्रोफोन दो चैनल्स के द्वारा, मतलब दो चैनल बताए थे मैंने, स्टीरियो ईयरफोन में होता है, दो चैनल के द्वारा समकालीन रूप से साउंड कैप्चर करते हैं, समान रूप से साउंड को कैप्चर करेगा तथा सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग को व्यवस्थित करता है। जो सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग को मैनेज करेगा और मैनेज करने के बाद जिससे कि वह उस समय के सिग्नल में बदलाव की कॉपी कर सके। जब प्रत्येक कान दिमाग को सिग्नल भेजता है तो इस अवधारणा को बायोमिमिक्री कहते हैं। यानी कि साउंड होता है सिंपल, उस साउंड को 3D साउंड जो होता है वो कैप्चर कर लेता है, कैप्चर करने के बाद उसको टुकड़े करके अलग अलग चैनल से हमारे कान तक पहुंचाता है। तो हमको दोनों कान से ऐसा लगता है कि अलग अलग कान पर अलग अलग प्रकार तरीके की साउंड हमें सुनाई देता है। किसी ईयरफोन से, किसी स्पीकर से कम आवाज़, तो किसी से ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है। तो इस प्रकार के साउंड जो बन के आता है उसको 3D साउंड कहते हैं, और इस प्रकार की अवधारणा को हम बायोमिमिक्री कहते हैं। 3D ऑडियो हेतु बेंडर्स, डॉल्बी, आजकल मोबाइल में आता है डॉल्बी साउंड के नाम से ऑप्शन, इसीलिए होता है। 3DIO, ओरियो, डिसोनिक्स, ओसिक्स, ये सब आपके जो हैं वो कुछ 3D साउंड सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। और इसमें से MS 3D, डिस्क डीजे 3D और म्यूजिक प्लेयर, ये भी आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे म्यूजिक प्लेयर, तो ये भी 3D साउंड के लिए होते हैं, जो कि आप जो गाने प्ले करेंगे उनको 3D स्टाइल में आपको सुनाने का काम करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो हमको साउंड को रियल दुनिया की तरह, वास्तविक दुनिया की तरह हमको सुनाते हैं, हमको अनुभव कराते हैं, उन सॉफ्टवेयर को 3D साउंड सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज हमने किस प्रकार के सॉफ्टवेयर, जो मेन सॉफ्टवेयर हैं वो दो हैं, AVS और साउंड फोर्स,
तो इसके बारे में अगर आप लिख देंगे एग्जाम में तो अच्छा आपको मतलब नंबर मिल जाएंगे। और इनको चलाने के लिए भी आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद इन्हें यूज करके देखिए, अगर नहीं आपको समझ में आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इनके ऊपर भी वीडियो बना करके आपके पास अपलोड कर दूंगा, जिसमें कैसे अपन एडिट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कैसे कट कॉपी पेस्ट ऑडियो वगैरह करते हैं, वो मैं इसमें करके दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको करके देखिए, और इसी के साथ ही हमारी यूनिट नंबर 2 खत्म होती है आज। तो इसको आप तैयारी कीजिए, पढ़िए, रिवाइज कीजिए बार बार पे, पहली यूनिट कवर कीजिए, दूसरी यूनिट कवर कीजिए, और फिर इसके बाद धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।